दोस्तों लखनवी गुरु जी का नमस्कार। और आज आ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, जो बस अड्डा बन रहा है, तो उसी का पूरा आज डिटेल कंस्ट्रक्शन दिखाने वाले हैं हम लोग। दोस्तों पूर्वांचल बस अड्डा जो ये बन रहा है वो 100 एकड़ में करीब बना हुआ है। इस बस अड्डे को बनते हुए लगभग 8 महीने से ज्यादा हो रहा है और इसका कंस्ट्रक्शन डे बाई डे बहुत तेज कर दिया है योगी सरकार ने। दोस्तों ये बस अड्डा जो बन रहा है ये सुल्तानपुर रोड पे बन रहा है और यहाँ पे पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक की कनेक्टिविटी ज्वाइन होने वाली है। इस बस अड्डे में लगभग आप जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे कम से कम 1000 से 1200 बसें खड़ी तो हो सकती है बड़े आराम से। लखनऊ, आजमगढ़, बलिया, सुल्तानपुर इत्यादि इस बेल्ट में जितने भी सिटी और कस्बे हैं उनको जोड़ेगा, तो यहाँ के लोगों के लिए कनेक्टिविटी बहुत आसान होने वाली है। तो योगी जी का एक नया अपडेट आया है कि पूर्वांचल बस अड्डा कम से कम 2022 तक तो कंप्लीट कर देना है। दोस्तों सुल्तानपुर रोड की जमीनें इस समय बहुत सस्ते में मिल रही हैं, इसलिए लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबका मानना यह है कि यहाँ पे जिस दिन बस अड्डा पूर्वांचल एक्सप्रेस में बन गया तो यहाँ पे जमीनों के रेट जो हैं वो डबल ट्रिपल होने वाले हैं। कोरोना वायरस के इफेक्ट के बाद भी यहाँ पे इतना तेजी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यूपी गवर्नमेंट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।